नमस्कार, स्वागत है आपका नाधी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर खतेगांव से हमें मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, पैदल ही बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुँचे हैं सीएम। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया, आपके हर दुख संकट में मामा आपके साथ है। सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। खतेगांव से ये खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, पैदल ही बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंच गए हैं सीएम। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है सीएम ने और कहा है आपके हर दुख संकट में मामा आपके साथ है। सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पूरी मदद करेंगे मामा जी, हमें भोपाल भैया थोड़ा सा जाओ ना, बाकी लोग बढ़िया भैया प्लीज, थोड़ा सा आप लोग बढ़िया हमें भैया थोड़ा सा मकान दिखने वाले अपने आवाज कानून पूरी हो गई, राशन मिल गया, भोजन मिल रहा है, बाकी टेप और सहायता राशि सब आपको मिल जाएगी। मामा जी ये कहने आपका है, ठीक है, चिंता मत करो, आप निकाल के ले जाएंगे। ये सब और अभी भी पानी भरा देंगे, पानी भरा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खातेगांव पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लगातार जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में वो खातेगांव पहुंचे, पैदल ही लोगों से जो है मिलने पहुंचे सीएम। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा आपके हर दुख संकट में मामा आपके साथ है। सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं आज उसी कड़ी में वो खातेगांव पहुंचे और लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याएं जानी। लगातार जिस तरीके से हवाई सर्वे भी अभी सीएम की तरफ से किया गया था और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। भयानक बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं, इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता तकलीफ में थी, हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुंचूं, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। निमावर में तो दो दो मंजिलें पानी में डूबी हुई थी, जनता की तकलीफ देखी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए, लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी और जो नुकसान हुआ है हम आरबीसी चर्चा के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और आरबीसी चर्चा मिला के नुकसान की भरपाई।